गाइस, नमस्कार सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट्स के लिए मैं सबसे पहले कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो रख, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। बेशक रास्ते भी जिद्दी है, मंजिले भी जिद्दी है, देखते हैं क्या होगा कल, हमारे हौसले भी जिद्दी है। ये कोरोना की कालीमा एक दिन छट जाएगी, तू जरा हिम्मत तो रख, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, जो बुने हैं मन में वो सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी कांटों की सेज तुझे, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चुमेगी, तू जरा हिम्मत तो रख, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आओ मिलकर सभी ईमानदारी बरा प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। ये वीडियो सीरीज विशेष कर उन एस्पायरेंट्स के लिए तैयार की जा रही है जो ACF और FRO की तैयारी कर रहे हैं, और शुरू करते हैं इस वीडियो सीरीज को इस टॉपिक के साथ। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कूट। यदि हम ACF के सिलेबस की बात करें तो वहाँ पे टोटल 10 पॉइंट इंक्लूड है, और पॉइंट नंबर 6 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से रिलेटेड है। इस पॉइंट नंबर 6 के शुरुआत के दो टॉपिक पर वीडियो में बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर इन वीडियोज को देख सकते हो। आज हम बात करेंगे जेनेटिक कोड पे। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक चीज़ और प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि हम पुराने वाले पेपर की बात करें और उनका एनालिसिस करें तो हम पाते हैं कि जो फिजियोलॉजी वाला पार्ट है उसमें से 54 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 25% से भी अधिक। उसके बाद में डेवलपमेंट बायोलॉजी, इन्वर्टिब्रेट, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, वर्टिब्रेट्स, इन पार्ट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ACF या FRO की प्रिपरेशन करते समय टाइम कम होने की वजह से आप इन पार्ट्स को प्रायोरिटी दे, पहले तैयार करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही कर पाएं। अब बात करते हैं टॉपिक की, जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कूट। आपने प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा होगा, आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा होगा, वहाँ पे mRNA के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, mRNA के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है AUG AUC GAU, ये जो सीक्वेंस होती है ये एक स्पेसिफिक मैनर में होती है और ये अमीनो एसिड को कोड करते हैं। इनके अंदर ऐसी सूचनाएं निहित होती है जो किसी विशेष अमीनो एसिड को आपस में जोड़ते हुए प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो यही जो सेट होता है न्यूक्लियोटाइड का वो क्या कहलाते हैं, जेनेटिक कोड कहलाते हैं। तो परिभाषा यदि हम देखें तो द सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट एनकोड ए सिंगल अमीनो एसिड द बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक कॉल्ड कोडोन। ठीक है, सबसे पहले कोडोन के बारे में, ट्रिपल कोडोन के बारे में किसने बताया, फ्रांसिस क्रिक और उसके साथियों ने। वो बैक्टीरियोफेज के ऊपर म्यूटेशंस कर रहे थे, म्यूटेशंस की चर्चा कर रहे थे या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वहाँ पे इन्होंने ये पाया कि जेनेटिक कोड है वो 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल कोड। आगे हम बात करते हैं, आपके सामने यहाँ पे एक सारणी दिख रही होगी जिसमें टोटल 64 कोडोन है। तो हम ट्रिपल कोड ही की यूज करते हैं। देखो, आप सभी जानते हो कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड
के जो सेट है वो इस प्रकार होने चाहिए, तो इस प्रकार होने चाहिए कि कम से कम 20 सेट तो बने, 20 संयोजन तो बने। यदि हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड लेकर यदि हम कोड बनाए, हम जानते हैं एमआरएनए के अंदर चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, ए जी यू सी। यदि हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड से एक एमिनो एसिड कोड करके करें तो टोटल हमारे पास चार प्रकार के ही संयोजन प्राप्त होंगे, जबकि हमारे पास 20 प्रकार के एमिनो एसिड है। यदि हम दो को एक साथ लें, जैसे ए ए को मैं एक साथ ले लूँ, ए के साथ जी ले लूँ, जी के साथ सी ले लूँ, तो ऐसे दो दो का यदि हम सेट बनाए न्यूक्लियोटाइड का, तो टोटल कितने सेट हमारे पास बनेंगे? जितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसको हम लिख देते हैं, और कितने कितने का सेट बना रहे हैं उसको हम घात के रूप में लिखते हैं, तो हमारे पास 416 16 प्रकार के सेट हमें प्राप्त होंगे, जबकि हमारे पास 20 प्रकार के एमिनो एसिड है, तो इससे भी काम नहीं चलेगा। इसलिए हमें तीन का सेट बनाना पड़ेगा। यदि हम तीन का सेट बनाकर देखें, तीन एमिनो एसिड एक साथ तीन न्यूक्लियोटाइड एक साथ लेके देखें, वो यदि किसी एक एमिनो एसिड कोड कर रहे हैं, तो टोटल कितने संयोजन बन सकते हैं? यहाँ साइड में देखो, चार प्रकार के हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और तीन का यदि हम सेट बनाए तो हम तीन की घात यहाँ पर लगा देते हैं, तो 4 × 4 × 4 बराबर 64। तो 64 प्रकार के कोडोन बन सकते हैं, तो ये सफिशियंट है, ज़्यादा ही है। तो जो ट्रिपल कोड होता है वो 64 प्रकार का, 60 ट्रिपल कोड होता है वो तीन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ये तो हम बात कर रहे हैं ट्रिपल कोड की। अब इनके हम करेक्टर देखते हैं, क्या क्या करेक्टर होते हैं। यहाँ हम देख चुके हैं कि जेनेटिक कोड तीन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, वो क्रम से होते हैं तीन न्यूक्लियोटाइड, किसी भी कोडोन के बीच में कोमा प्रेजेंट नहीं होता है। नॉन ओवरलैपिंग कोडोन होते हैं, यानी कोडोन के बीच ओवरलैपिंग नहीं पाई जाती है। यदि मैं इसको छोटे से एग्जांपल से समझाऊँ आपको, ए जी ए जी यू ए, यहाँ पर ये दो ट्रिपल कोड है, ये किसी अमीनो एसिड कोड कर रहे हैं, ये किसी दूसरे अमीनो एसिड कोड कर रहा है, तो ये नॉन ओवरलैपिंग है। यदि ओवरलैपिंग होती तो यहाँ पे देखो कैसे होता, ये किसी एक एमिनो एसिड कोड कर रहा है, फिर पहले को छोड़ देते हैं, फिर ये किसी दूसरे एमिनो एसिड कोड कर रहा होता, फिर आगे मैं तीसरा लूँ, दो को छोड़ दूँ, फिर ये किसी तीसरे एमिनो एसिड को कोड कर रहा होता, तो ये ओवरलैपिंग होता, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं पाई जाती है, नॉन ओवरलैपिंग कोडोन होते हैं। चौथा पॉइंट है डीजनरेसी ऑफ कोड। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक एमिनो एसिड के लिए एक से अधिक कोड पाए जाते हैं, दो एमिनो एसिड अपवाद है इसके, ये आरपीसी पूछ सकता है। कौन से दो है? ट्रिप्टोफेन और मिथियोनिन। ट्रिप्टोफेन और मिथियोनिन के लिए एक एक ही कोड पाया जाता है, तो ये आरपीसी एग्जाम में पूछ सकता है, इसको आप अच्छे से याद रखना है। अगला हम देखें तो अनएम्बिगुअस, ये भी इसका एक कैरेक्टर है। इसका मतलब क्या होता है? प्रत्येक कोड स्पेसिफाई होता है एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए, वो किसी दूसरे अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा, इसको हम कहते हैं अनएम्बिगुअस। जेनेटिक कोड में कुछ ऐसे कोड होते हैं जो स्टार्ट और स्टॉप कोडोन के रूप में काम करते हैं। आपके सामने इधर साइड में एक टेबल बनी हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हो। यदि मैं स्टार्ट कोडोन की बात करूं तो यहाँ पे स्टार्ट कोडोन कौन कौन से हैं, देखो इस टेबल में आप नीचे की तरफ आओ, यहाँ तो ए यू जी मिथियोनिन, ये कौन सा है? ये स्टार्ट कोडोन है, ये यूनिवर्सल स्टार्ट कोडोन है। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में दो और पाए जाते हैं, वो कौन से? जी यू जी, यहाँ देखो और वापस ऊपर की तरफ जाओ, जी यू जी और यू यू जी, ये तीन प्रकार के स्टार्ट कोडन होते हैं। बेसिकली आप ए यू जी को याद रखना, ए यू जी मेथियोनिन को कोड करता है, तो सर्वप्रथम कौन सा एमिनो एसिड आता है? मेथियोनिन। स्टॉप कोडन की बात करूँ मैं, तो स्टॉप कोडन कौन कौन से, यहाँ साइड में बना हुआ
आप लिखा हुआ है देखो यहाँ UAG, UGA और UAA, यहाँ भी साइड में देखो ऊपर की तरफ साइड में यहाँ तीन ये स्टॉप कोडोन है, इनका अलग से नाम दिया गया है जिसको भी आरपीसी पूछ सकती है। UAG को एम्बर कहा गया, UGA को ओपाल कहा गया और UAA को ओकर कहा गया, इनको आप याद रख सकते हो। एक चीज़ आप यहाँ पर और याद रख सकते हो, पहली चीज़ तो कौन से अमीनो एसिड है जो सिर्फ जिनके लिए सिर्फ एक ही कोडोन होता है, मीथियोनिन और ट्रिप्टोफेन। इसके अलावा कौन से अमीनो एसिड है जिनके लिए टोटल 6 कोडोन उपस्थित होते हैं, तो वो कौन से है, ल्यूसीन, सेरीनोन, आर्जिनिन। ये तीन ऐसे अमीनो एसिड है जिसके लिए कम से कम 6 कोडोन प्रेजेंट होते हैं। आगे हम इनके बात करते हैं, जितने भी कोडोन होते हैं सारे यूनिवर्सल कोड होते हैं। हाँ, यदि कुछ अपवाद है तो वो भी आरपीसी पूछ सकती है। यहाँ पे आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया और माइकोप्लाज्मा में यूएजी जो एक्चुअल में स्टॉप कोडोन होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा और माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रिप्टोफेन को कोड करता है। किसको कोड करता है, ट्रिप्टोफेन को। तो ये एग्जाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आरपीएससी पूछ सकती है, जेनेटिक कोड सिक्वेंस पूछे तो। आगे देखते हैं वोबल हाइपोथेसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो वोबल हाइपोथेसिस क्या होती है, इसकी हम चर्चा करते हैं। आपके सामने इधर डायग्राम शो हो रहा है, देख रहे हो प्रोटीन सिंथेसिस आप सभी ने पढ़ी होगी, वहाँ पे एमआरएनए के ऊपर सूचनाएं निहित होती है, उन सूचनाओं के आधार पर एक एंजाइम होता है, कौन सा, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस। ये क्या करता है, उन सूचना के आधार पर एमिनो एसिड को कहाँ से, कोशिका द्रव्य से एमिनो एसिड को लोड किसके ऊपर करता है, टीआरएनए के ऊपर लोड करता है, और वो टीआरएनए कहाँ आकर जुड़ता है, जहाँ पर कोडोन रीजन होता है एमआरएनए के ऊपर, जहाँ पर कोडोन रीजन होता है वहाँ पे आके टीआरएनए जुड़ता है, और जिस स्थान से जुड़ता है उस स्थान को हम कहते हैं एंटी कोडोन रीजन। तो कोडोन के विपरीत या अगेंस्ट टीआरएनए के ऊपर एंटी कोडोन होते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है, इधर साइड में लेफ्ट साइड में एक डायग्राम बना हुआ है उसको आप देखो, यहाँ ये एमआरएनए है 5 से 3 डायरेक्शन में एमआरएनए है, और इधर मैंने जो बनाया है ये ऊपर की तरफ ये 3 से 5 डायरेक्शन में, ये क्या है, टीआरएनए का एंटी कोडोन लूप है, टीआरएनए का एंटी कोडोन लूप है। यहाँ पर 3 नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोटाइड आपको दिख रहे हैं, यू ए यू, इसको हम किधर से पढ़ेंगे, 5 से 3 डायरेक्शन में, तो 5 डायरेक्शन इधर राइट साइड में, तो इसको राइट साइड से पढ़ेंगे यू ए यू। तो फर्स्ट पोजीशन कौन सी हो गई, यू, देखो यहाँ में लिखा हुआ है फर्स्ट पोजीशन यू ए यू। ऐसे ही हम एमआरएनए के ऊपर पढ़ेंगे 5 से 3 डायरेक्शन में, ये 5 डायरेक्शन है, ये 3 डायरेक्शन है, तो लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे। यहाँ पे कौन सी सीक्वेंस लिखी हुई है, ए यू ए या जी, ए यू ए लिख दो आप डायरेक्ट चाहिए, तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे ए हो गया और थर्ड पोजीशन पे ए या जी हो गया, तो ये क्या है, कोडोन है। अब वोबल हाइपोथेसिस पे आते हैं, वोबल हाइपोथेसिस क्या होती है, देखो एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं हम ये जानते हैं, और 20 ही प्रकार के एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज पाए जाते हैं, 20 से 30 प्रकार के एंटी कोडोन पाए जाते हैं, यानी एंटी कोडोन संख्या में ज़्यादा होते हैं। और कोडोन की बात करें तो वो 64 होते हैं, तो वो और भी ज़्यादा संख्या में होते हैं, तो यहाँ पे एंटी कोडोन से कोडोन की संख्या ज़्यादा होती है, तो स्वाभाविक है प्रत्येक एंटी कोडोन के लिए एक से अधिक कोडोन हो सकते हैं, प्रत्येक कोडोन के लिए
सॉरी प्रत्येक एंटीकोडोन के लिए एक से अधिक कोडोन हो सकते हैं, तो वही वोबल हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करते हैं। वोबल हाइपोथेसिस क्या है एक्चुअल में? तो यहाँ पे एंटीकोडोन पे जो फर्स्ट पोजीशन है किससे पेरिंग करती है, एमआरएनए के ऊपर कोडोन की थर्ड पोजीशन जो है, थर्ड पोजीशन पे जो न्यूक्लियोटाइड है उससे पेरिंग करता है, और उससे जो इसकी पेरिंग होती है वो लूज होती है, वो लूज होती है। एंटीकोडोन पे जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो थर्ड पोजीशन पे जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड से पेरिंग कर सकता है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, डीजेनरेसी। इसको क्या कहते हैं, थ्री एंड पे डीजेनरेसी, थ्री एंड पे। यदि फोर्थ पॉइंट यहाँ देखो ऊपर की तरफ, थ्री एंड ऑफ कोडोन हैज डीजेनरेसी, तो इसको हम क्या कहते हैं, डीजेनरेसी। इधर डायग्राम में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ये टीआरएनए शो हो रखा है, यहाँ ये वोबल पोजिशन शो की हुई है, कौन सी है, फाइव एंड पे फर्स्ट पोजिशन, और एमआरएनए के ऊपर थर्ड एंड पे थर्ड पोजिशन। तो यहाँ पे आप दो टीआरएन शो किए गए हैं, एक टीआरएन पर जो फिफ्थ एंड पे फर्स्ट पोजीशन जी है, यहाँ जी यू के साथ, जी यू के साथ पेयरिंग करना कर रहा है, और दूसरे वाले में जी सी के साथ पेयरिंग कर रहा है। तो जी यू के साथ भी पेयरिंग कर सकता है और जी सी के साथ भी पेयरिंग कर सकता है, तो यहाँ पे थर्ड एंड पे क्या हो गई, डीजेनरेसी हो गई, इसको डीजेनरेसी कहते हैं, और यही वोबल हाइपोथेसिस है। यदि यहाँ पे हम देखें कि कौन कौन से एंटी कोडोन थर्ड पोजिशन पे जो कोडोन होते हैं उससे पेरिंग कर सकते हैं, तो उसका यहाँ देखो आपके सामने ये एक मैं शो कर रहा हूँ, एंटी कोडोन की फर्स्ट पोजिशन पे यदि ए है तो वो यूरेसिल से ही पेरिंग करेगा। तो ये भी एक बार कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दी एंटी कोडोन के ऊपर यदि ये थर्ड से फाइव टीआरएनए का मिला रहा हूँ, यहाँ यदि ए है, यहाँ चाहे कुछ भी हो इसको हम ध्यान नहीं देना हमें, और ये यहाँ का है, ये है एमआरएनए फाइव थ्री से फाइव, ये थ्री से फाइव है और ये फाइव से थ्री, तो यहाँ पे ये फर्स्ट पोजिशन है और यहाँ ये कौन सी होगी थर्ड पोजीशन, तो यहाँ पे ए के साथ यू ही आएगा, ये थर्ड पोजीशन है एमआरएनए के ऊपर, ए के साथ यू आएगा, जी के साथ यू और सी दोनों आ सकते हैं, यू के साथ ए और जी दोनों आ सकते हैं, और आयनोसिन के साथ ए यू और सी तीनों आ सकते हैं। यदि यहाँ पर इधर साइड में देखो, यदि मैं फिर से बना रहा हूँ थ्री से फाइव, यहाँ यदि आयनोसिन है तो ये तीन के साथ पेयरिंग कर सकता है, किसके साथ कर सकता है, ए के साथ भी कर सकता है, यू के साथ भी कर सकता है, सी के साथ भी कर सकता है। तो पहले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं, यदि जो एमआरएनए है, एमआरएनए के अंदर जो सीक्वेंस दी हुई अमीनो एसिड की वो क्या है, आर्जिनिन ल्यूसीन और वेलिन है, ये पूछ रहा है कि डीएनए के अंदर उसकी क्या सीक्वेंस होगी। जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये एम आर एन मैंने बना दिया फाइव से थ्री, इस पे कोई सीक्वेंस है सी जी यू 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 ए और जी यू सी, ये तीन अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, ठीक है, आर्जिनिन है, ल्यूसीन है और वेलिन है, डीएनए के ऊपर क्या सीक्वेंस होगी। तो आप सभी जानते हो जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो कैसे होता है, ये डीएनए है, ये फाइव से थ्री बन रहा है तो ये थ्री से फाइव हो जाएगा और ऊपर वाला फाइव से थ्री हो जाएगा, तो इसके अगेंस्ट डीएनए पे क्या सीक्वेंस होगी इन अमीनो एसिड्स के लिए, सी के अगेंस्ट क्या होगा जी, जी के अगेंस्ट सी, यू के अगेंस्ट ए, यू के अगेंस्ट ए, यू के अगेंस्ट ए, ए के अगेंस्ट, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ए के अगेंस्ट यहाँ पे यू नहीं आएगा, क्या आएगा, टी आएगा, क्यों, क्योंकि डीएनए के अंदर यूरेसिल की जगह थायमीन पाया जाता है। आगे चलते हैं,
जी की के साथ सी, यू के साथ जी और सी के साथ जी, यू के साथ ए, जी नहीं ए। तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस प्राप्त होती है कौन से वाले ऑप्शन में है, यदि हम तुलना करें तो जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड जो ऑप्शन है उसमें ये सीक्वेंस है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। इस टाइप का क्वेश्चन भी आरपीएससी पूछ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे ये आप इसको टाइप्स पढ़ो। पांच प्रकार के कोई न्यूक्लियोटाइड है, यदि वो तीन का सेट बनाए तो टोटल कितने पॉसिबल सेट बन सकते हैं। पांच टाइप के, तो हम पांच टाइप का यहाँ लिख देंगे। तीन तीन का सेट बनाना है तो तीन को हम घात के रूप में लिखेंगे, तो 5 × 5 × 5 तो कितना हो जाएगा 125। तो 125 प्रकार के पॉसिबल सेट हमें प्राप्त होंगे। यदि हम ट्रिपल कोड की बात करें तो ट्रिपल कोड की बात करें टोटल कितने बनते हैं, तो हमारे पास चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं एमआरएनए के अंदर, और तीन का सेट हमें बनाना है तो 4 × 4 × 4 = 64। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड की घात सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसका ये फॉर्मूला हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएससी पूछ सकती है। आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, इससे ज़्यादा आरपीएससी इस टॉपिक में से ये नहीं पूछेगी। अंत में बस इतना ही कहूँगा, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से।